हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ मैं डाइजेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट में आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वीडियो में डाइजेशन की फिजियोलॉजी को फुल डिटेल में नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेप्स को जानेंगे कि डाइजेशन कितने स्टेप्स में होता है। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए आज का जो हमारा वीडियो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, जो आपके BSc और MSc एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और फुल डिटेल में एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगी, जिससे आपको पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए लेट्स देन स्टार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो ह्यूमन डाइजेशन की बात करें तो जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट अब डिफिनेशन, व्हाट इज डाइजेशन? द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू देयर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म आर कॉल्ड डाइजेशन। ओके, जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का, और उसको हम जो सिंपल फूड मटेरियल में करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी डाइजेशन कहलाती है। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि डाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब फिजियोलॉजी में यही तो जाना जाएगा कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से डाइजेशन होता है, तो यही होती है उसकी फिजियोलॉजी। तो टाइप ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, तो टू टाइप के डाइजेशन है वो होते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल डाइजेशन एंड नेक्स्ट है इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन क्या होता है ये जानिए, और इंटरनल डाइजेशन होता है क्या ये जानिए। तो एक्सटर्नल डाइजेशन है कि डिस्कस आउटसाइड बॉडी डाइजेशन आउटसाइड बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल डाइजेशन। जब डाइजेशन हमारा आउटसाइड बॉडी होता है तो उसे एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं। एंड अदर वे आप इंटरनल डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन विद इन बॉडी ऑफ एनिमल्स होता है, तो ये आपका इंटरनल डाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल डाइजेशन हमेशा आउट ऑफ बॉडी होता है और इंटरनल डाइजेशन हमेशा विद इन बॉडी होता है। अब एक्सटर्नल डाइजेशन का एग्जांपल का बात करें तो ये आपका एग्जांपल होता है डाइजेशन सुगर पार्टिकल। अगर आपको इसकी नोट्स बनाना है तो ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपका पूरा रेडी होता चले। तो एक्सटर्नल डाइजेशन है, इसका एग्जांपल है डाइजेशन सुगर पार्टिकल्स। नेक्स्ट आपका इंटरनल डाइजेशन है डाइजेशन विद इन बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये होता है इंटरनल डाइजेशन। इंटरनल डाइजेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटर सेलुलर डाइजेशन, एक इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंटर सेलुलर डाइजेशन मोस्टली टू टाइप के होते हैं, इंटर सेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन ऑफ मैमल्स, हम लोग को स्टडी किसके करना है, डाइजेशन ऑफ मैमल्स को हमको स्टडी करना है। तो इन मैमल्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट एट द लिप एट एंड द एनस। तो मैमल्स में जो डाइजेशन होता है वो लिप से स्टार्ट होता है और एंड उसका एनस से होता है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोज, टू ग्रुप ऑफ जब डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं इसमें टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फर्स्ट हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में किस टाइप का डाइजेशन होता है, और फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का इसमें क्या रोल है हम ये जानेंगे। तो फर्स्ट चलिए एलिमेंट्री कैनाल को जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसकी लेंथ कितनी होती है। तो एलिमेंट्री के कैनाल की लेंथ होती है 5 to 7 meters। कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। नेक्स्ट है लेंथ अबाउट 5 to 7 meters। ऑर्गन्स इन्वॉल्व माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है, माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो जैसा कि ये दिख रहा है फिगर में, ये है आपके
एलिमेंट्री कैनाल, ओके, एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी होती है, फेरिंग्स होती है, ऑइसोफेगस, स्टमज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम माउथ, हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, मैंने बताया कि माउथ सबसे जो मेन रोल है वो माउथ का है, क्योंकि माउथ के द्वारा ही तो हमारे मुंह में हम कुछ खा रहे हैं, तो माउथ से ही तो अंदर जा रहा है। तो फर्स्ट हम माउथ को स्टडी करेंगे। ट्रांसवर्स स्लिट लाइक जो हम खाते हैं वो हमारे अपर जा एंड लोअर जा, लोअर जा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। तो माउथ का यही काम है। द इनटेक ऑफ फूड आइटम इनटू माउथ, देयर ट्रॉविंग, मस्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। हम फूड आइटम्स को माउथ में ले जाते हैं, उसमें क्रेविटिंग होती है, मस्टिकेशन होता है और हमारे और उसमें सलाइवा मिक्स होता है। नेक्स्ट बकल कैविटी, स्पेशियस कैविटी माउथ विच इनक्लोज प्लेट्स टंग्स टीथ आर कॉल्ड बकल कैविटी। टंग टीथ को और पैलेट को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। तो नेक्स्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स में जानिए कि फेरिंग्स क्या होती है, इसका शेप कैसा होता है, फेरिंग्स के द्वारा किस प्रकार से फूड की प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है। फेरिंग्स इन अ फिनल शेप्ड ट्यूब ट्यूब द एक्सटर्नल फ्रॉम द इंटरनल नेरिस ऑफ द ओसोफेगस पोस्ट्रेटरी एंड इन द लैरिंग्स एंट्रीरियस। तो ये जो नोट्स आप लोग ऐसे बना सकते हैं, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट आपका है द फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ स्किल मसल्स एंड लाइंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। फेरिंग्स डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, नेसोफेरिंग्स, ओरिगोफेरिंग्स एंड लाइनोफेरिंग्स। द नेसोफेरिंग्स फंक्शन ओनली रिस्पायरेशन, जो नेसोफेरिंग्स होती है उसका फंक्शन केवल रिस्पायरेशन में होता है, ओके। और जो दोनों फेरिंग्स हैं उसका फंक्शन कहाँ होता है आप इसके आगे पढ़ेंगे। ओरियोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स हैव डाइजेस्टिव एज वेल एज रिस्पायरेटरी फंक्शन, इसका रिस्पायरेटरी फंक्शन में इसका यूज होता है। स्लॉट फूड पास फ्रॉम द माउथ इंटू द ओरोफेरिंग्स एंड लार्गियोफेरिंग्स। द मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज एरियाज हेल्प प्रॉपर फूड इंटू द ओसोफेरिंग्स एंड देन इंटू द स्टमच, ओके। नेक्स्ट आपका है आइसोफेगस, आइसोफेगस में किस टाइप का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आइसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें टू टाइप होते हैं, एक अवर एक लोअर, ओके। अपर जो होती है वो स्केलेटल मसल्स कहलाती है और जो लोअर होती है वो स्मूथ मसल्स होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट स्टमच की बात करें, तो स्टमच इज अ जे शेप्ड, स्टमच हमेशा जे शेप्ड होता है। द स्टमच ये आइसोफेगस इनटू ओडम में होता है। द फंक्शन ऑफ स्टमच आर रिजर्व एज अ मिक्सिंग चैम्बर एंड होल्डिंग रिजर्वर। द स्टमच हैज फोर मेन रीजन, स्टमच के फोर मेन रीजन होता है, कार्डिया, फंगस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक जो ये तीनों सारे पार्ट हैं इसके अलग अलग रोल है। अब पाइलोरिक की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स रेगुलेशन द काइम फ्रॉम स्टमच टू स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका चीफ सेल सेक्रीट पॉइजन एंड पॉरीग्रेशन एंड जेनेटिक लिप्स। नेक्स्ट आपका जो इससे जूस सेक्रीट होता है वो स्टमच से आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो आपका टोटल 2000 से 3000 मिलीलीटर पर डे निकलता है, ओके। जो गैस्ट्रिक सेल होती है वह सेक्रीट द हार्मोन्स गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके। नेक्स्ट आफ्टर द क्राउनिंग एक्शन मिक्सिंग काइम विद द एसिटिक जेनेटिक जूस इन्वॉल्व द सलाइवा। नेक्स्ट हम पेनक्रियास की बात करें, तो पेनक्रियास इज 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5
5 सेंटीमीटर थिक। जो पेंक्रियास होता है वो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट अकर इन द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट एवरेज 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर इन लेंथ इन अबाउट 3 मीटर। एब्जॉर्प्टिव सेल ऑफ द एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन इन काइम। ग्लोबेट सेल आर सेक्रेटेड म्यूकस। इसमें जो ग्लोबल सेल होती है वो म्यूकस को सेक्रेट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फूड का आपने जान लिया कि वो कहाँ से लार्ज, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले इसकी लंबाई जान लीजिए, 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर इन डायामीटर। एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू एनस द फोर मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, केकनम, ओडम, रेक्टम एंड कैनाल। द एनल कैनाल अप्रॉक्स पॉइंट ट्यूब मस्टिकेशन अबाउट 8 सेंटीमीटर लेंथ। काइम इन प्रिपेयर्ड बाई एलिमिनेशन बाई द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच फॉर्म द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड रिलेटेड हाइड्रोजन कार्बन ड्राइक्स इन टू गैस्ट्रिक्स। तो ये आपका हो गया डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ डाइजेशन को बताऊंगी। जिसको पीडीएफ चाहिए तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जैसा कि पहले फूड हमारे माउथ से होता हुआ फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आइसोफेगस में, आइसोफेगस से स्टमक में, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो हमारा इसमें जो डाइजेशन है ह्यूमंस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में जो हम इसके स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस है उसको पूरा क्लियर करेंगे शॉर्टकट में, वो भी अच्छे से। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।